जरदा खाएंगे बिरयानी। खुद भर के लाएं अपना पानी। बेरूद की है हम शहंशाह जहांगीर है। आलिया जल्दी से बाल्टी उठाइए वरना कोई और अपने डब्बे में पलट लेगा। पहले पानी भर के घर ले चलते हैं, फिर वहाँ पे आराम से बैठ के बात करेंगे। यहाँ कोई यकीन नहीं करेगा कि आप शहंशाह जहांगीर हो। और जवान हमारा अदल अदल जहांगीर के नाम से मशहूर है। यहाँ पे सिर्फ इमरान खान मशहूर है और कोई नहीं है। जल्दी उठाइए डब्बे, जल्दी लेके चलते हैं फटाफट, घर पे चल के बात करेंगे। हमारे दरबार में इतना अंधेरा क्यों है? बत्ती कट गई, 300 साल से बिल नहीं दिया। ये दरबारी कहाँ है? ये सारे के सारे वनडे मैच देखने गए। वनडे मैच? ये क्या होता? यहाँ 22 आदमी 22,000 को एक साथ बेवकूफ बना दे। हमारे दरबार कहाँ है? आली जा, वो बेचारे शेरिटन होटल में गेट खोलने पे लग गए। समझ नहीं आ रहा नौजवान। सुना तुमने, कोई फरियादी आया है? फरियादी नहीं, ये गली में से गोले गंडे वाला गुजरा है। हमारी घंटी कहाँ है? ये सारा घंटा उसको उतार के दे दिया था जब से टन टन करके गोले गंडे बेचता है वो। वो रस्सी? रस्सी पे तो बड़ी रस्ता कशी हुई, आखिर में धो भी लेगा, उस पे चादरें सुखाते हैं। ओ नौजवान, नौजवान हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नौजवान हमें भूख लगी है। आलिया मेरे साथ सदर चलिए, आपको जहांगीरी हलीम खिलाऊंगा। क्या हमारे नाम पे हलीम बिक रही है? अरे और मजे की बात सुनिए, जहांगीर पार्क में बैठ के जहांगीर की हलीम खाएंगे, डबल मजा आएगा। ये हमारी तौहीन है। आज अजीब वाकयात हो रहे हैं। जब हम जहाज से उतरे तो मुसाफिरों पे कस्टम वालों ने कुत्ते छोड़ दिए। आली जा, वो कुत्ते कोई मोहल्ले के आवारा कुत्ते नहीं है कि सारी रात भौंके और सुबह ठेले के नीचे सो गए। वो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क के कुत्ते हैं। उनकी खास बात है कि वो मुसाफिर को सूंघकर मनुष्यात का पता लगा लेते हैं। तो कोई मुजरिम पकड़ा गया? 3 महीने से सूंघ रहे हैं, अब तक किसी पैसेंजर को नहीं सूंघा। जब से आए हैं सिर्फ स्टाफ ही को सूंघते रहते हैं। नौजवान, जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हमने जगह जगह आग लगी हुई देखी, ये क्या वजह है? आलिया ये आग नहीं है, ये भंगी कूड़ा जमा करके आग लगा देते हैं, उठाने की जहमत नहीं करते। नौजवान इसके अलावा हम हैरान हैं कि सारा शहर एक ही सिम, सारी गाड़ियां एक ही सिम क्यों जा रही है? आलिया थोड़ी देर के बाद आगे गेट के पास गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होने वाली है और दूसरे ग्राउंड में मंगल बाजार लगा हुआ, इसलिए सब उधर ही जा रहे हैं। नौजवान हमें शहर ले चलो, हम अपनी रियाया से मिलना चाहते हैं। आली जा, कोई नहीं पहचानेगा आपको। यहाँ पर तो लोग 3 महीने के बाद अब्बा वापस आए तो उन्हें नहीं पहचानते। ये तो बड़ी अजीब अजीब आदतें हो गई है लोगों की। आप मेरी बात माने तो किसी को मत बताएं कि आप शहंशाह जहांगीर हैं। अब देखिए ना, किसी को यकीन नहीं आएगा, लोग खामखा आपका मजाक उड़ाएंगे। नहीं, हम शहर जरूर जाएंगे। अगर आप जिद कर रहे हैं तो चलिए मेरे साथ, शर्त लगा लीजिए। अगर आप यकीन दिला दिला के थक जाएं, कोई यकीन नहीं करेगा। चलिए मेरे साथ शहर में चलिए। नौजवान, खुदा ना खास्ता, क्या जंग का खतरा है जो शहर के चारों तरफ ये खंदकें खोद दी गई हैं? अरे भैया ये खंदकें नहीं है, ये कीड़िए वाले नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। एक मिनट, देखो ये जो सामने दुकान वाला है, हम तुम्हें बताएंगे कि ये हमें पहचान सकता है। पान रोज, तूने हमें पहचाना? अरे तेरे को नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा मैं? यार तेरे को नहीं पहचानूंगा यार, तुझे पे तो यार मैं तेरे को तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। तुमने सुना नौजवान, तुमने सुना, ये हमें पहचानते हैं। अरे तेरे को नहीं पहचानूंगा, 27 रुपए और 22 पैसे तेरे से लेने मेरे को। मेरी टीवी स्टेशन के पास दुकान थी, तू उधर आखिरी चट्टान में काम कर रहा था, तूने उधार में मेरे से 2 पैकेट और पान खाए, पैसे तुम्हारा भाग देगा। बेरूद की है हम शहंशाह जहांगीर। अरे चलना हो तो तू डिरामे में था, वैसे मैं तेरे को जानता हूँ, गफ्फार का भाई है तू, जो गत्ते के डब्बे बना था। ओ गफ्फार, क्या बेरूद की है नौजवान, हमें यहाँ से ले चलो। ऐसे कैसे जाने दूंगा, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तेरे कारखाने में आऊंगा जिधर तू काम करता है। ऐसी मगर हमारे जमाने में तो अशर्फियां हुआ करती थी। अशर्फी आटे वालों ने तो धक्के मार के तेरे को निकाला है। तू तो काम करता है वो स्पंज के कारखाने में, उधर ही आके तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, देखना तू सारी जिंदगी। कौन सी सवाल बोल रहा है, हमें यहां से ले चलो। ओ, ओ, ये
ये मशीन सवार नौजवान हमें शरीफ आदमी लगता है, यकीनन हमें पहचान लेगा। अरे भाई ये मशीन सवार ये टैक्सी ड्राइवर है, और इससे पूछेगा भी मत, बात करने में भी मीटर से 5 रुपए ज्यादा लेगा ही नहीं। हम इससे पूछेंगे। पूछ लीजिए फिर भुगत लीजिएगा। सुनिए नौजवान, आपने हमें पहचाना। ओ यार मैं तेरे को कहीं देखा है। सुना यार मैं तेरे को कहीं देखा है। कसम में बखुदा मैं तेरे को कहीं पे देखा है। आपने यकीनन हमारी कोई तस्वीर देखी हो। अरे मैंने तो तेरा फिल्म देखा है जालिम। मैं तेरे को जानते है, तू नियामत सरदी है। नियामत सरदी नहीं नौजवान, हम शहंशाह जहांगीर है। वो छोड़ो बड़ा यार छोड़ो, बेटू ना स्वर का कैसे बात करते है बड़ा पागल है। तुम हमारे को नहीं जानते, हमने उधर ताजमहल से तेरे से ऑटो गिराफ लिया था नियामत। हम वो नहीं है, हम मतलब जहांगीर वाले शहंशाह जहांगीर है। थोड़ा मरा हम किसी को नहीं जानते है। तुम बात सुनो, तुम किस किस को जानते है? हम चंगेज खान को जानते हैं, हम मंगोल खान को जानते हैं, हम मरा यास्मीन खान को जानते हैं, आसिफ खान को जानते हैं, तुम बदर मुनीर को जानते है? नहीं हम नहीं जानते। तो हम तुम्हारे को नहीं जानते, जो बदर मुनीर को नहीं जानते हम उसको बिल्कुल नहीं जानते। क्या हो गया है हमारी रियाया को? ये दूध फरोश यकीनन हमें पहचान लेगा। ए दूध फरोश तुमने हमें पहचाना? वही बल्ले बल्ले वही दूर बंजा बड़ी कोची जी का बिछला लगा गया ले। वालेकुम सलाम। यार अभी गाहक बैठे, तुम थोड़ी देर बाद आना यार। जग्गा भाई जग्गा मैं हूँ, मुझे नहीं पूछाना है। हम शहंशाह जहांगीर से जग्गा हो गए। यार मर भी तू शहंशाह जहांगीर है, बरातों में पैसा लूटने वाले मरासी की औलाद। तुम समझो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? तू मेरे भाई के वलीमे में भी उधर हमारे को पटा पटूंगे 200 रुपया कमाया। क्या बेहूदी है उस्ताद पे अदब, हम तुम्हारी जबान कलम कर देंगे। ओए माजे ओए साजे, अटरा मेरा डंडा दे काट कर लिया। तुम्हारी है तुम शहंशाह जहांगीर बनाओ। अभी मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कराता हूँ तुम्हें बुला के। चले चले पहले का हिसाब करते थे, शहंशाह जहांगीर बना हुआ है अपनी तरफ से, छोटे सा फिल्म में क्या करेक्टर मिल गया, बावला हो गया। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ कोई नहीं पहचान रहा। देखो ये नौजवान आ रहा है, ये यकीनन हमें पहचान लेगा। सुनिए सुनिए नौजवान, आपने हमें पहचाना। अरे घोड़ा रे घोड़ा, अरे मेरे तुम्हारे को कहाँ देखा है? आपने यकीनन हमारी कोई तस्वीर देखी होगी। अरे तस्वीर को छोड़ो, मैं तो तुम्हारा फिल्म देख के बैठा हूँ। अरे तुमको मैंने पहचान लिया है, तुमको पृथ्वीराज है। तुम मुगले आजम फिल्म में घुसा हुआ था। नहीं हम मुगले हो, तुम शहंशाह जहांगीर है। अरे छोड़ ना, अभी मेरे को रे रहे, मेरे को नहीं बनाओ। तुमने जो जुल्म किए ले अल्लाह तेरे आगे लाएंगे देखना। तुमने जिस तरीके से बेचारी को उसको मिस्कीन को उसको अनारकली को जो दीवार में चुना है ने, मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि कभी जिंद लगाने तुम मेरे सामने आया तो मैं तुम्हारे सर पे नहीं ईटी खींच के मारूंगा। अभी मैं अपनी कसम पूरी करूंगा। कैसी ईट मारी है, कैसी ईट मारी है। निशाना बड़ा अच्छा था, हमारे जमाने में होता तो हम इसे तीर अंदाजों में रख लेते। जवान अरे भाई आराम से यार, आराम से। खुदा को मानो मैं मना कर रहा था कि मत लोगों को बताओ मैं शहंशाह जहांगीर हूँ। क्या पता चला ईट बड़ी सर में? हाँ आपको पता नहीं है, ये लोग तो सब कुछ भूल चुके हैं। अब आ मत कीजिए, मुंह बंद करके जरा आंख खोलिए। आंखें तो नहीं खुली। कोशिश करें कुछ ऊपर शटर उठाएं, शायद आंख खुल जाए। कुछ करें। ये कहां क्यों नहीं खुल रही? वो बंद हो गई है, उसका टाइम खत्म हो गया है, ये दूसरी खोल दे। किसी तबीब को बुलाओ नौजवान।
उर्दू गाड़ी वाली बोलना अभी बोलना। अरे भाई बुलाया मैंने डॉक्टर साहब को, अब्बासी शहीद से आ रहे हैं वो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर होते हैं अब तबीब नहीं होते। अरे एक तो मैं इनके साथ जिम्मेदारी लेके फंस गया। आ रहे हैं डॉक्टर साहब, लीजिए वो आ गए। तबीब तबीब आए हैं। अबे आए एक मिनट ठहर जाओ भाई, मरीज कौन सा ये जो कर रहा है यही है। हाँ भाई पहलवान क्या हुआ? पहलवान नहीं हम शहंशाह जहांगीर भाई। अरे बहुत जल्दी बावला हो गए तो। तबीब मैं क्या बकवास कर रहा है, तबीब तबीब क्या चला जा रहा है, मैं जब कह रही हूँ एक दफा इससे पूछने तो दे। अबे ईंट इसके सर पे लगी थी हैं, तो फिर ठीक है पागल हो गया, दिमाग में असर हुआ इसके, सुबह शाम इसके सर पे कच्चा पपीता बांधो समझे, और खजूर के दरख्त के नीचे सूरज डूबने तक खड़ा रहा कर तू पहलवान। हमारी मजबूरी। अबे मजबूरी क्या कह रही है पहलवान, इधर कर मेरे मुंह। तबीब गुस्ताख तबीब, हमें कोई ऐसा मरहम लगा कि शाम तक ये जख्म भर जा। अबे बावला हो रही है, शाम तक तो गड्ढा नहीं भरता मट्टी से, मजदूरों से वो भी आधा छोड़ के चले जाते। मर जा बावला हो रही है। ओए देख पहलवान मेरा इलाज करने का तरीका तरह मुख्तलिफ है समझे, जरा मुंह उठा मुझे दे दो रैबट, अभी मुंह उठा इधर इधर मेरी तरफ। हम शहंशाह जहांगीर है, हद है अदब नौजवान। चल मैंने मान लिया शहंशाह, मेरी कौन सी शान घट जाएगी पहलवान, तुम तो बावला पागल की बात का क्या बोला। हमें छूने से पहले ये बताएं कि आप बाकायदा तबीब क्या है, डॉक्टर है या नहीं। अब बावला हो रही है, कोई ऐसा वैसा डॉक्टर समझ दिए मेरे को, मेरी टक्कर का एक डॉक्टर नहीं पहलवान, सही कह रहा हूँ और समझ ले बहुत पुराना डॉक्टर हूँ। एक किस्सा बहुत पुराना है, एक दफा जिक्र है वर्षों पहले की बात है, एक डॉक्टर के घर में गाय काट रहा था। मियाँ विन ने जो मेरे हाथ की सफाई देखी प्यार, देखिए जिस तरीके से मैंने इसके फेफड़े कले की गाय की अलहदा की ना है, तो वो तो बस मेरे पे फीदा ही हो गया ना सर्जन, कहने का पहलवान झूम लू तेरे हाथ अगर तू धोके आ जाए है, ऐसे हाथ की सफाई तू पोस्टमार्टम की टीम में क्यों नहीं शामिल हो जाता। तो पहलवान विन ने मुझे टीम में शामिल कर लिया, 20 वक्त का डॉक्टर हूँ मैं पहलवान, जबरदस्त और आला किस्म का डॉक्टर। ये मेरे साथ जो आया ना ये भी हमारी टीम में है, ये मोची है। डॉक्टर के साथ मोची, हमें पापोश नहीं सिलवानी। अबे तो पापोश नहीं सिलवाने के नादाबाद सिलवा ले, लालू खेत उधड़ गया हो तो वो भी सिलवा लियो। क्या बावला हो रही है, क्या मैं ईंट लगी है तेरे मगज के बीच में पहलवान। अबे कोई मोची को पापोश वापोश कह रहा, अबे ये मोची है जो दिमाग का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, विश का असिस्टेंट है ये, दिमाग वो घोलता सीधा ही है, पहले फुटबॉल में सीधा था, एक टांग नहीं उधड़ सकता पहलवान। तुम हमें छूना नहीं, हम तुमसे तुमसे इलाज नहीं कराएंगे, हमारा दिमाग फट जाएगा। क्या बावला हो रहा है, जितने ऑपरेशन मैंने किए जितना तजर्बा मेरे कने है पहलवान, किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। अब तू अंदाजा लगा ले कि सन 1947 में पहला ऑपरेशन मुसलमान का जिस वक्त मैंने किया तो विश के पोस्टमार्टम में से निकला पहलवान जज्बा हुब्बुल वतन, आजादी की ख्वाहिश, भाईचारगी, दोस्ती, वतन का प्यार, अपनी धरती को आबाद करने का शौक। और पहलवान जब 1965 में मैंने मुसलमान का पोस्टमार्टम किया तो विश में से निकला जज्बा शहादत, शौक गाजी, गाजी बन के वतन की हिफाजत का जज्बा, पहलवान टैंकों के नीचे बम बांध कर लेटने की आरजू। और जब 1971 में मैंने मुसलमान का ऑपरेशन किया तो विश में से निकला भाइयों से जुदाई का सदमा, सबर, अपने आप को दोबारा से बनाने की आरजू। और विश के बाद जितने ऑपरेशन किए पहलवान, विश में से चरस निकली, अफीम निकली, स्मगलिंग निकली और हीरोइन निकली।